पुष्कर सम तीर्थों का गुरु माना जाता है, क्योंकि शत्रुघ्न केवलम पुष्करम, शत्रुघ्न में केवल पुष्कर ही बना और प्रथम तीर्थ है, इसलिए इसको सब तीर्थों का गुरु माना गया है। ब्रह्मा जी का मंदिर विश्व में एक ही है, लेकिन ब्रह्मा जी अपूज्य है, ब्रह्मा जी की पूजा होती नहीं है, इसलिए ब्रह्म रूपेण पुष्कर, ब्रह्मा का रूप स्वरूप जल है, इसलिए जल की पूजा करते हैं। पुष्कर आदि में सात कुल का पिंडदान होता है। स्वयं भगवान रामचंद्र भी आके अपने पिता दशरथ जी के यहाँ श्राद्ध किया, जब उनका मोक्ष हुआ तो भगवान रामचंद्र भी यहाँ आए और अपने पितरों का यहाँ पिंडदान किया, जब उनके पितरों का मोक्ष हुआ। इसमें तो प्रातकाल है वेती गंगा, मध्यान्ह सरस्वती, सायंकाल में सम तीनों आती है। प्रात में गंगा बहती है, मध्यान्ह में सरस्वती बहती है और सायंकाल में गंगा जमुना सरस्वती तीनों आती है। इसलिए आपको श्राप कि आपका मंदिर पुष्कर के अलावा विश्व में कहीं नहीं होगा और आपकी पूजा कोई नहीं करेगा। सन्यासी करता है, गृहस्थी आदमी को अधिकार नहीं है पूजा करने का ब्रह्मा जी का। किसी के घर में नहीं होता है, किसी के हर देवता की पूजा सब जगह होती है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा केवल पुष्कर में होती है और वो भी सन्यासी के द्वारा होती है, गृहस्थी आदमी को अधिकार नहीं है। सभी को एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि जहाँ के आज मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ वो आपको जैसे कि थंबनेल में आपको और टाइटल में पता चल गया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं निकल चुका हूँ। मैं निकल रहा हूँ 2 बजे 2:15 बजे हम निकल चुके थे और 8 घंटे की जर्नी है जो कि ड्राइव करनी है मुझे कंटिन्यूसली। मुझे नहीं पता मैं कैसे ये चीज़ हैंडल करूँगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये मेरा एक्सपीरियंस है कि इससे पहले जो यानी कि कल मैंने 5 घंटे कंटिन्यू ड्राइव किया, उसके बाद मुश्किल से 3 घंटे सोया हूँ मैं। 10 बजे सोया था और रात को 1 बजे दोबारा उठ गया, फिर 2 बजे उठा और अब आप देख सकते हो गाड़ी उधर खड़ी हुई है और आपको मेरे फेस पर भी दिख रहा होगा कि नींद पूरी नहीं हुई है बिल्कुल भी और मुझे नहीं पता मैं मतलब कैसे हैंडल करूँगा। बट चलते हैं आगे और दिखाता हूँ मैं आपको। देख रहे हो अभी इस टाइम पर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, के बीच में गांव पड़ा है। तो यहाँ पे एक थोड़े लाइट को देखकर मैंने सोचा यहाँ पे एक आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि किस तरीके से हम लोग निकल रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा अभी जो मैं आपको दिखाया मैंने कि किस तरीके से हमें जो फॉग है वो इतना ज़्यादा फॉग है मैं आपको बता नहीं सकता कि विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। 20 की स्पीड में हम लोग निकल रहे हैं बिल्कुल स्लोली बीच में। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि बीच में जो खेत आ रहे हैं खेतों में से बिल्कुल जो फॉग होता है वो आसपास की मतलब ऐसा पूरे सड़क को कवर करके चल रहा है। बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं प्रॉब्लम हो रही है ड्राइव करने में और अभी मुझे कुछ नहीं पता है कि कितना टाइम लगेगा एग्जैक्टली। अब चलते हैं आगे और आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। रात भर ड्राइव करने के बाद अब सुबह हो गई है यानी कि उजाला हो गया है और सूर्यदेव सामने, अगर आप आई होप कि आपको दिख रहे हो, कोशिश कर रहा था मैं आपको दिखाने की बट मैं कोशिश करूँगा दिखाने की आपको। मतलब सूरज को देखकर काफ़ी अच्छा लगा है क्योंकि रात भर ड्राइव करने के बाद इतना फॉग था, फॉगी एरिया से निकले हम, खेत थे चारों तरफ और बीच में सड़क ही सिंगल सड़क थी और उस पर केवल हमारी गाड़ी चल रही थी जैसे कि आपने देखा भी होगा। और अब सूर्यदेव को देखकर थोड़ी देर रुके हैं यहाँ पे इस हाईवे पे और फिर ये सीधा हाईवे कवर
काफ़ी अभी जो यहाँ से डिस्टेंस है वो अभी 200 किलोमीटर दूर है। इतनी मतलब दो सवा दो बजे से हम चले हुए हैं, रात के सवा दो बजे से चले हुए हैं। अब इस टाइम पर टाइम हो रहा है तकरीबन 7:30 के आसपास, और अब भी यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। मान के चलिए कम से कम 10:30 तक हम पहुँचेंगे जहाँ पे हमें जाना है, जिस लोकेशन पे। और तो चलते हैं अब आगे की ओर, फिर आगे मैं आपको दर्शन कराता हूँ और देखते हैं आगे कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग आएगा तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आँखों में नींद है, सोया नहीं हूँ बिल्कुल भी, 3 घंटे सोया था रात को। रात को 10 बजे सोया था और रात को 2 बजे से पहले ही उठ गया था, 1 बजे उठ गया था, फिर 2 बजे उठा दोबारा, फिर 2:15 बजे तक निकल गए, तो नींद पूरी नहीं हुई। और रात भर ड्राइव करी है और अब भी स्टिल ड्राइव कर रहा हूँ, क्योंकि साथ में कोई सेकंड पर्सन नहीं है जो ड्राइव कर सके, तो मैं ही ड्राइव कर रहा हूँ। तो चलते हैं आगे की ओर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और मैं आपको बता दूं आज जिस स्थान पर मैं आज आया हूं ये है राजस्थान में, और यहां पे आपको दर्शन होते हैं ब्रह्म सरोवर के। ये पुष्कर है स्थान, मैं आपको बता दूं राजस्थान में मैं पुष्कर में आया हूं और काफ़ी दूर में आया हूं। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको सबको पता होगा मैं इस ट्रिप का मैंने सारा अपडेट इंस्टाग्राम पे दिया है। अगर आपने मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं करा तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन आपको मैं आज बता दूं कि जहाँ पर मैं आया हूँ ये स्थान पुष्कर है राजस्थान में, ब्रह्मकुंड है। आप मेरे पीछे देखोगे ये है ब्रह्मकुंड का मेन द्वार, यहाँ से मैं आपको अभी अंदर लेके चलूँगा और दर्शन कराऊँगा। और मेरे साथ हैं बाबा जी, जो कि आपने इनको देखा है इससे मेरे इससे पहले वाली वीडियोज़ में। राधे राधे बाबा जी। राधे राधे बाबा जी। हमें कितना समय लगा यहाँ पे पहुँचने में, आप ये बताओ पहले, क्योंकि हम 6-7 घंटे लगे, 6-7 घंटे लगे हैं, उससे भी ज़्यादा लगे हैं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, 8 घंटे लगे हैं हमको आते हुए। तो मैं आपको रियलिटी बताऊं, वैसे जो गूगल मैप में शो कराया था यहाँ का जो डिस्टेंस था वो 7 घंटे 40 मिनट का था, लेकिन हमको थोड़ा एक दो ब्रेक लिए मैंने, क्योंकि इतना कंटिन्यू चलाना ड्राइव करना पॉसिबल नहीं हो पाया था, तो बीच बीच में रुके। तो 8.25 घंटे लगे हमको यहाँ पे पहुँचने में, रात को 2:15-2:30 बजे करीब निकल गए थे हम, और अब यहाँ पे हम पहुँचे हैं। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो। और अभी मैं आपको टाइम बताऊँ, उस टाइम पर 12:30 हो रहे हैं, और हालांकि हम यहाँ पे 12 बजे पहले पहुँच गए हैं। तो मेरे साथ यहाँ के निवासी हैं, आपका शुभ नाम बताएंगे आप हमें? पंडित मधुसूदन पराशर। मधुसूदन पराशर। तो यहाँ के जो ब्रह्मकुंड का महत्व है वो तो मैं आपसे अभी नीचे जाएंगे हम, तब वो मैं पूछूंगा, लेकिन इसके बारे में बताइए कि यहाँ पे मतलब जो ब्रह्मदेव जी हैं उनकी यहाँ पे किस प्रकार यहाँ पे उनकी लीला रही है? पुष्कर आदि नदी तीर्थ है, समस्त तीर्थों का गुरु है। सतुगम केवलम पुष्करम द्वापरम कुरुक्षेत्र तेतम नैमिषारण्यम कलयुग गंगा प्रसिद्ध है। पुष्कर आदि नदि तीर्थ है और संसार का सबसे पहला तीर्थ है। भगवान ब्रह्मा जी ने सच्ची की रचना करने से पहले सबसे पहले पुष्कर को बनाया, और भगवान ब्रह्मा जी ने आज पूरा सच्ची का निर्माण किया। आज तक 4 युग है, द्वापर सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग सतुगम केवलम पुष्करम। सतयुग में केवल पुष्कर बना और ब्रह्मा जी ने ऐसी सत्य की रचना किया। द्वापर में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, कुरुक्षेत्र बनाया हरियाणा में। त्रेता युग में भगवान राम ने अवतार लिया, निमिषारण्य बनाया उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में। और कलयुग में बना गंगा, जिसको बोलते हैं हरिद्वार, भागीरथ ने तपस्या किया और तपस्या करके गंगा को आकाश से धरती पर लाए। ये 4 युगों का 4 तीर्थ है। सतयुगम केवलम पुष्करम, सतयुग में केवल पुष्कर बना और ब्रह्मा जी ने ऐसी सत्य की रचना किया। तो हम जैसे अभी नीचे जाएंगे दर्शन के लिए, तो इसके बारे में आप हमें नीचे जाके भी वर्णन करेंगे थोड़ा सा? जी जी। तो ये यहाँ के निवासी हैं और आप यहीं के निवासी हैं? पुष्कर के पंडित। तो ये पुष्कर के यहाँ पे पंडित हैं, और ये ब्रह्मकुंड में हम जानते हैं इनसे नीचे यहाँ पे कि यहाँ पे क्या महत्व है। तो चलते हैं, पहले मैं आपको द्वार दिखाता हूँ, काफ़ी सुंदर द्वार है और काफ़ी यहाँ से जो दर्शन होते हैं ना बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। तो मैं आपको सीधा पहले वहाँ पर लेके चलता हूँ और फिर आगे मैं आपको दर्शन कराता हूँ। Thank you.
ऊपर पढ़ सकते हो मुख्य ब्रह्म घाट नाम ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्रह्म घाट का नाम है। अब चलते हैं अंदर की ओर। जैसे ही आप द्वार पे आते हो तो सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में हनुमान जी के दर्शन होते हैं। बहुत ही प्यारे रूप में हनुमान जी के दर्शन हैं। बालवीर हनुमान जी, ये हैं बालवीर हनुमान जी। मैं आपको बता दूं और यहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने मुझे बताया है, बहुत ही सुंदर रूप हैं। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी, जगत गुरु जयेंद्र सरस्वती जी आए थे, उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर स्थापन किया। आदि गुरु शंकराचार्य जी है तो जो चार पीठ है शंकराचार्यों की। हाँ जी। ये जगत गुरु जयेंद्र सरस्वती जी है कांती काम कोठी, उन्होंने यहाँ आके पूजा अर्चना करके यहाँ शंकराचार्य कांती काम कोठी यहाँ पे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं अम्मा जी कांती काम कोटी जो है कांती काम कोटी दक्षिण में, वहाँ से जो सरस्वती शंकराचार्य जी है। ऐसे अपने भारत में चार पीठ है शंकराचार्यों की, शारदा पीठ है ऐसे, जैसे प्रकार ये भगवान की शंकराचार्य पीठ है जो अपने आए थे जगत गुरु शंकराचार्य जी जयेंद्र सरस्वती जी स्वामी जी, उन्होंने यहाँ आके अपने चंद्रमौलेश्वर भगवान का यहाँ महादेव जी का मंदिर का प्रतिष्ठापित किया और ये आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति सब जगह मंदिर बनवाया। ये उतना पुराना मतलब जब का ही है जी शंकराचार्य जी ने बनवाया। शिव जी के दर्शन कराता हूँ, बहुत ही सुंदर दर्शन है यहाँ पे शिव परिवार के। और जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है और आप सामने देखोगे पहाड़ है उस तरफ में और बहुत ही बड़ा कुंड है। यहाँ पे नज़ारे दिखा दूँ आपको किस तरीके से आपको ब्रह्म घाट के दर्शन होते हैं और आगे जा सकते हैं हम लोग वहाँ पे। हाँ जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, आप ये देखोगे नीचे ये पुष्प आदि यहाँ पे। और सबसे पहली बात आप यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो इस जल में मछलियाँ भी हैं। आई होप कि आप देख पा रहे हो मछलियाँ, बहुत सारी मछलियाँ हैं। यहाँ पे लोग स्नान भी करते हैं यहाँ पे आके, स्नान का महत्व है पुष्कराज का। आप यहाँ के बारे में हमें बताइएगा, अब के यहाँ पे जैसे यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं जो जल के कुंड के, तो यहाँ पे लोग स्नान करने कितनी दूर दूर से आते हैं और क्या महत्व है इसका यहाँ पे स्नान करने का? ऐसा है हिंदू धर्म के तीन देवता बड़े हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव का तीर्थ काशी है, विष्णु का तीर्थ गया है और जगत पिता ब्रह्मा जी का तीर्थ पुष्कर है। पुष्कर कैसे बना कि जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, विष्णु के नाभि से कमल का फूल को उत्पत्ति हुआ और कमल के फूल से भगवान जगत पिता ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ। तो भगवान ब्रह्मा का उत्पत्ति होने के बाद में भगवान ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से प्रार्थना किया कि हे विष्णु भगवान, इस मृत्यु लोक में शिव का तीर्थ काशी है, विष्णु का तीर्थ गया है
मृत्यु लोक में ब्रह्मा का कोई तीर्थ नहीं है, इसलिए ब्रह्मा का तीर्थ होना चाहिए। ऐसा प्रार्थना करने से भगवान विष्णु ने अपने नाभि से कमल का फूल तोड़ के ब्रह्मा को दिया और ब्रह्मा को बोले, जगत पिता ब्रह्मा, इस कमल के पुष्प को ब्रह्मलोक से गिराओ, मृत्यु लोक में जहाँ तपोमि होगा वहाँ जाकर ये फूल गिरेगा, उसी जगह आपका तीर्थ होगा। तो भगवान ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से कमल का फूल चलाया, वो ब्रह्मांड का चक्कर लगाता हुआ मृत्यु लोक में यहाँ तपोमि होने कारण यहाँ कर पुष्प गिरा, गिरने से सप्तपदार छेद होकर ऑटोमेटिक जल निकला, इसी का नाम पड़ा पुष्कर, पुष्प प्लस कर, संस्कृत में फूल को बोलते पुष्प और हाथ को बोलते कर। ब्रह्मा ने अपने हाथ से फूल गिराया, इसलिए इसका नाम पड़ा पुष्कर। शत्रुघ्न केवलम पुष्करम, शत्रुघ्न में केवल पुष्कर बना और ब्रह्मा जी ने ऐसे सत्य की रचना किया। द्वापर में भगवान कृष्ण ने उतार लिया कुरुक्षेत्र बनाया, त्रेता में भगवान राम ने उतार लिया नैमिषारण्य बनाया और कलयुग में बना गंगा जिसको बोलते हैं हरिद्वार। भागीरथ ने तपस्या किया, तपस्या करके आकाश से धरती पे गंगा को आकाश से धरती पे लाए। ये चार युगों का चार तीर्थ है, पुष्कराज समर तीर्थों का गुरु माना जाता है, क्योंकि शत्रुघ्न केवलम पुष्करम, शत्रुघ्न में केवल पुष्कर, केवल पुष्कर ही बना, यह प्रथम तीर्थ है, इसलिए इसको सब तीर्थों का गुरु माना गया है। तो यहाँ पे स्नान आदि का क्या महत्व है? पुष्कर का जो मेला लगता है, जैसे कुंभ स्नान होता है वैसे पुष्कर का स्नान का महत्व है। जिस प्रकार हर जगह स्नान होता है वैसे पुष्कर का कार्तिक पंच स्नान, कार्तिक में जो भगवान ब्रह्मा जी ने षष्ठी के निर्माण किया, कार्तिक में एकादशी पूर्णिमा तक हजारों वर्ष तक तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ बैठ के यज्ञ किया, पति पत्नी धर्म पत्नी के साथ बैठ कर जी यज्ञ करके ब्रह्मा जी ने यहाँ षष्ठी की रचना किया। कोई भी अपन कार्य करते हैं तो शुभ कार्य हवन पूजन करते हैं, तो जब भगवान ब्रह्मा जी ने षष्ठी की रचना करने का काम हाथ में लिया तो उन्होंने सबसे पहले हवन किया, यज्ञ किया, और यज्ञ करके ब्रह्मा जी ने षष्ठी की रचना की। तो यज्ञ का मुहूर्त निकला था कार्तिक में, शत्रुघ्न के कार्तिक का जो बड़ा महीना होता है 12 महीने में, कार्तिक मास में एकादशी पूर्णिमा 5 दिन तक ब्रह्मा जी ने बैठ कर यज्ञ किया, 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण दिया, सप्तऋषियों को निमंत्रण दिया, 33 करोड़ देवता सप्तऋषि सभी लोग आए और ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, यज्ञ करके ब्रह्मा जी ने षष्ठी की रचना की। इसीलिए पुष्कर का मेला लगता है कार्तिक में, जिसको बोलते हैं कार्तिक पंच स्नान, क्योंकि ब्रह्मा जी ने यहाँ 5 दिन तक यज्ञ किया था, और ये इसीलिए पुष्कर का मेला कार्तिक में लगता है। जैसे कुंभ का स्नान होता है हरिद्वार में, उज्जैन में, इलाहाबाद में, इसी प्रकार पुष्कर का कार्तिक में पंच स्नान होता है। लाखों आदमी इसी जल सरोवर के स्नान के लिए आते हैं। जल के चारों तरफ 52 घाट बने हुए हैं, ये 52 घाट्स अराउंड द लेक्स। इसी जिस प्रकार ये ब्रह्म घाट है, इसी प्रकार के 52 घाट है चारों तरफ से बने हुए। ये राजा महाराजों ने बनाए, 52 राजा महाराजे आए, अपने अपने जिनका मनोकामना पूर्ण हुआ, किसी ने घाट बनाया, किसी ने मंदिर बनाया, किसी ने धर्मशाला बनाया, ये हजारों मंदिर है। और जो पुष्कर का जो महत्व, पुष्कर जल ही है, ब्रह्म रूपेण पुष्कर, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है कि पुष्कर अध्यानि तीर्थानि गंगाध्या सर्गस्था आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर। ब्रह्मा का स्वरूप ही जल है और जल के रूप में यहाँ ब्रह्मा जी विद्यमान है, इसलिए जल का ही पूजा जाता है। जो कुछ महत्व जल का ही है, जल के अंदर कुल्ला करना, साबुन छुड़ा करना, जूते ले जाना, मछली पकड़ना, नाव चलना, बीच सीट पीना, आसपास के यहाँ कई गंदगी करना, सब बात का मनादी है। यात्री लोग पुष्कर में तीन काम से आते हैं। पहला काम पुष्कर का स्नान करते हैं, और स्नान नहीं करते हैं कुछ श्रद्धालु तो पंच स्नानी महाज्ञानी आँखों को कानों को छिटा लगाते हैं, उसको बोलते पंच स्नान, और पंच स्नान करके जल सरोवर का यहाँ पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर विश्व में एक ही है, लेकिन ब्रह्मा जी अपूज्य है, ब्रह्मा जी की पूजा होती नहीं है, इसलिए ब्रह्म रूपेण पुष्कर, ब्रह्मा का रूप स्वरूप जल है, इसलिए जल की पूजा करते हैं। लाखों यात्री जल की पूजा के लिए आता है। दूसरा काम, जिनके माता पिता नहीं होते, दादा दादी नहीं होते हैं, यहाँ पितरों का पिंडदान करने के लिए यात्रियों का आता है। यहाँ 7 कुल का पिंडदान होता है। गया गंगा कुरुक्षेत्रे प्रवासी पुष्कराणी से एकतानी मुख्य तीर्थानी श्राद्ध काले भवंती का मातृ गया सिद्धपुर गुजरात में माता का श्राद्ध पिंडदान करते हैं, पितृ गया बिहार में है पटना के पास, वहाँ पिता का करते हैं। पुष्कराज में 7 कुल का पिंडदान होता है। स्वयं भगवान रामचंद्र भी आके अपने पिता दशरथ जी के यहाँ श्राद्ध किया, जब उनका मोक्ष हुआ तो भगवान रामचंद्र भी यहाँ आए और अपने पितरों का यहाँ पिंडदान किया, जब उनके पितरों का मोक्ष हुआ। भगवान रामचंद्र जी जी यहाँ आके दशरथ जी का पिंडदान किया, जब उनका पितरों का मोक्ष हुआ। तो यहाँ पद्म पुराण में ऐसा लेख है कि गया गंगा कुरुक्षेत्र प्रवासी पुष्कराणी से एतानी मुख्य तीर्थानी श्राद्ध काले भवंतिका, मातृ गया में माता का, पितृ गया में पिता का, पुष्कर में 7 कुल का। बद्रीनारायण सुप्रीम कोर्ट, पुष्कर हाई कोर्ट, जो लोग बद्रीनाथ ब्रह्म कपाल पर पिंडदान करते हैं उसके बाद पिंडदान कहीं नहीं होता है, और बद्रीनाथ में नहीं किया तो 5 जगह का महत्व है विशेष तरीके से, गया गंगा कुरुक्षेत्र प्रवास और पुष्कर, मातृ गया में माता का, पितृ गया में पिता का, पुष्कर में 7 कुल का। तीसरा काम, जिनके घर में जो गुजर जाता है, जो अस्थि होती है, अस्थि प्रवेश के लिए यात्री लोग आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, बाल साहेब ठाकरे, सबका इधर अस्थि प्रवेश हुआ है, और आम सबका इधर का, सबका इधर अस्थि प्रवेश होता है। मतलब यहाँ पे अस्थियाँ जी, अस्थि प्रवेश के लिए भी यात्री लोग, तो वो अलग है, उसके लिए घाट अलग निर्धारित किए हुए हैं, जो वहाँ वो वहाँ उसी जगह पे किया जाता है, उसी जगह पे किया जी। बाकी जो स्नान के घाट है 52 घाट और स्नान, और जो कुछ महत्व जल सरोवर का ही है, हम
बताया कि ब्रह्म रूपेण पुष्कर, ब्रह्मा का स्वरूप जल ही है, जल के लिए लाख प्रयात्र। जैसे कि एक हम ये घाट देख रहे हैं तो जी, यहाँ पे और भी घाट है, ये 52 घाट चारों तरफ बने हुए, चारों तरफ से बने हुए, राजा महाराजा ने 52 घाट जयपुर, कोटा महाराजा, सिकर महाराजा, जोधपुर महाराजा, जयपुर महाराजा, सब ऐसे राजा महाराजाओं के 52 घाट बने हुए हैं। ऐसे सब अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना करते हैं और अपने परिवार की मंगल कामना मांगते हैं। जैसे कि सामने में हम देख भी पा रहे हैं यहाँ पे लोग, कई लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो ये अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं अपने परिवार के मंगल कामना का। पूजा तर्पण पिंडदान सर्व कर्म यहाँ होता है, सभी हर कर्म यहाँ होता है, ऐसा कोई कर्म नहीं जो पुष्कर्म नहीं है। पुष्कर्म में हर कर्म और हर अनुष्ठान हर जप करने का यह महत्व है, ये आदि अनादि तीर्थ है, ऐसा कोई वेद पुराण नहीं है जो पुष्कर के विकल्प बना है। तो यहाँ पे स्नान के लिए कोई विशेष ऐसा कोई महत्व, जैसे कि यहाँ ये तो तीर्थ है, यहाँ तो राजा पटियाला आए थे, उनको भी यहाँ कुष्ठ रोग से निवारण हुआ था, तो ये तो है। औरंगजेब भी आया, उसको भी चमत्कार मिला, डाली हो गई सफ़ेद है, तो ये तो आदि अनादि तीर्थ है, सत्युगम केवलम आदि अनादि से सत्युग का सबसे पहला तीर्थ, तो यहाँ तो वो तो है ही है सब कुछ होना। तो अच्छा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे ना, कि ये कितना गहरा होगा कुल? अभी तो इसमें करीब 15 फीट पानी है, वैसे जल ऊपर तक आता है पहाड़ों से, जो जल है नाग पर्वत बना हुआ है, ये जो है नाग पर्वत है, यहाँ देवताओं ने सर्प का पहाड़ बनाया था यज्ञ की रक्षा के लिए, तो ये नाग पर्वत के नाम से, इसको अरावली पर्वत की श्रृंखला है जो नाग पर्वत के नाम से जाना जाता है। देख रहे हैं जो पर्वत। जी ये पर्वत नाग पर्वत है और ये सप्त ऋषियों की तपोभूमि है, विश्वामित्र, जगदम्ब, जगदम्बनी, अगस्त ऋषि, पुलस्त्य ऋषि, विश्वामित्र, सब ने यहाँ तपस्या किया है। जी आज पांडव भी अज्ञातवास में आए थे, यहाँ रुके सभा में नाग पर्वत में, तो वहाँ पंचकुंड बना हुआ है। पांडव भी यहाँ अज्ञातवास में यहाँ रुके, एक महीना सभा में यहाँ रुके, अज्ञातवास में यहाँ पांच कुंड बनाया, उसका नाम पंचकुंड के नाम से जाना जाता है, स्थान है पर्वत में। तो ऐसे यहाँ कई जगह स्थान है, ऐसे अजगंडेश्वर महादेव है, कपालेश्वर महादेव है, और झन्नेश्वर महादेव है, वेदनाथ महादेव है, ककड़ेश्वर मकड़ेश्वर महादेव है, और गुप्त नदी, इसमें तो प्रातकाल है बेहती गंगा, मध्यान्ह सरस्वती, सायंकाल में सम तीनों आती है, प्रात में गंगा बेहती है, मध्यान्ह में सरस्वती बेहती है, और सायंकाल में गंगा जमुना सरस्वती तीनों आती है इस तीर्थ में। जी तीनों आती है। यहाँ पे आपने गुप्त नदी के बारे में बताया, वो उसके बारे में, वो सरस्वती है जो लुप्त हो गई अभी, वो यहीं से प्रकट है, नंदा सरस्वती गाँव यहाँ से थोड़ा दूर, वहाँ से वहीं से उसका उद्गम स्थल है। काफी आनंद आया आपसे जान के, और एक अंत में एक सवाल और पूछना चाहूंगा, यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, मंदिर भी बनाया, मंदिर है ब्रह्मा का विश्व में एकमात्र, लेकिन ब्रह्मा जी जो है ब्रह्मा जी का अपूज्य है, ब्रह्मा जी ने जब यज्ञ किया तो ब्रह्मा जी की पहली पत्नी को विलंब हो गया, तो ब्रह्मा जी ने दूसरी पत्नी को यज्ञ में बिठाया, इसलिए ब्रह्मा जी को श्राप दिया गया कि आपने घर में होता हुआ दूसरा पत्नी यज्ञ में बिठाया गायत्री को, इसलिए आपको श्राप कि आपका मंदिर पुष्कर के अलावा विश्व में कहीं नहीं होगा और आपकी पूजा कोई नहीं करेगा, सन्यासी करता है, गृहस्थी आदमी को अधिकार नहीं है पूजा करने का ब्रह्मा जी का, किसी के घर में नहीं होता, किसी के हर देवता की पूजा सब जगह होती है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा केवल पुष्कर में होती है और वो भी सन्यासी की जरूरत होती है, गृहस्थी आदमी को अधिकार नहीं है, गृहस्थी लोग खाली दर्शन कर सकते हैं। और जो पुष्कर का जो मुख्य जो है ब्रह्म रूपेण पुष्कर, वो बताया ना ब्रह्मा का जो स्वरूप है वो जल ही है, वो जल की पूजा होती है, ब्रह्मा जी की पूजा कहीं नहीं है, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं, जी जल का ही पूजा है, तीर्थ का ही पूजा है। काफी आनंद आया आपसे जान के, और एक बार आपसे नाम अपना दोबारा बता, पंडित मधुसूदन पाराशर पुष्कर, तो आप यहीं पर ही मतलब? जी यही हमारा काम है, पूजा अर्चना कराना, श्राद्ध कराना, तर्पण कराना, पिंडदान कराना, ये हमारा कार्य है, जो हम यात्रियों को पूजा अर्चना कराते हैं, यात्रियों को पूजा अर्चना जी कराते हैं। तो आपका अगर मैं कॉन्टैक्ट नंबर जैसे वीडियो में देना चाहूँ तो हाँ, उसे कोई आपत्ति तो? कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी आपके मतलब कोई भी जो वीडियो देखेंगे वो आपसे संपर्क करेंगे जी, तो वो जो भी अगर यहाँ पे पिंडदान कुछ भी करना चाहेगा वो आपसे संपर्क जी आराम से कर लेगा जी। बोलिए पुष्कर राज महाराज की जय। तो जैसा कि यहाँ पे पुजारी जी ने बताया, यहाँ पे जो यहाँ की वो जो पूजा वगैरह करते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं और अपने पितरों का पिंड दान हो, चाहे वो अपने जो भी पूजा करनी हो वो यहाँ पे आके करते हैं, और उन्हीं से मैंने बात की और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने लिया है, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा उनका कॉन्टैक्ट नंबर, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे कभी आते हो पुष्कर में दर्शन के लिए, या फिर किसी भी रूप में अगर आपको हेल्प चाहिए, यहाँ की गाइडेंस चाहिए, तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो आप वहाँ से भी आप नंबर ले सकते हो। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि जैसे कि कई जो लोग मुझे इंस्टा पे या फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं वो लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि मैं जो यहाँ का ट्रिप है उसकी मैंने एक एक अपडेट दी है इंस्टाग्राम पे, तो मैं दोबारा यही कहूँगा कि अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे या फिर फेसबुक पे फॉलो नहीं करते हो तो वहाँ पे जाइए मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं सारे अपने जो भी मेरे शूट्स होते हैं वहाँ के मैं वहाँ पे अपडेट देता हूँ सारे, और यहाँ पर भी जब मैं यहाँ पे दर्शन के लिए आ रहा था तो मैंने सारे अपडेट दिए थे अपने इंस्टा पे, और वहाँ पे वो लोग अच्छी तरीके से उनको पता होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने आज जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं आपको सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ
कि हम नंदगांव मैं कल आया हूँ, तो नंदगांव में मुझे 5 घंटे लगे कल दिल्ली से आने में, और मैंने केवल नंदगांव में 3 घंटे या 3.5 घंटे मैंने रेस्ट किया, यानी कि मैं थोड़ा सोया, क्योंकि रात को हमें ड्राइव मतलब रात को हमें निकलना था पुष्कर के लिए। ये मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, मुझे दिल्ली से नहीं पता है अभी कि कितना दूर है पुष्कर, लेकिन नंदगांव से 7 घंटे 40 मिनट का रास्ता जो कि गूगल मैप पे मैंने देखा। और तो रात को हम यहाँ पे 2 बजे 2:15 बजे करीब यहाँ पुष्कर के लिए निकले, और अब यहाँ पे हम पहुँचे हैं यहाँ पे 11:30 12 के करीब यहाँ पे, और मतलब काफ़ी ज़रा टाइम लगा, और रुक रुक के आए हैं हम यहाँ पे, और कंटिन्यू ड्राइव करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 7-8 घंटे कंटिन्यू ड्राइव करना पॉसिबल नहीं हो पाता है जब आप सो नहीं पाते हो, नींद नहीं आपकी पूरी होती है। तो रुक रुक के मैं आया हूँ यहाँ पे, 2-3 जगह मैंने ब्रेक लिया थोड़ा, तब यहाँ पे हम आके पहुँचे हैं। और बहुत ही मैं रियलिटी बताऊँ, बहुत ही सुंदर मैं नज़ारा है, जिस प्रकार यहाँ पे जो पुजारी जी थे उन्होंने मुझे बताया, जो यहाँ पे पूजा आदि में जैसे कि मैंने बताया जो कराते हैं पूजा आदि, उन्होंने यहाँ के बारे में बताया, यहाँ के महत्व को बताया, बहुत आनंदमय बात है यहाँ के बारे में जब मैंने जाना। और आप मेरे पीछे देख रहे हो ये बेदी बनी हुई है, ये बेदी अगर आप लोग कई लोग जानते होंगे, कई लोगों को नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं, जो यज्ञ वगैरह होते हैं तब जो हवन होता है उस जगह को, मतलब आसपास जो भी और चीज़ें बनाई जाती है उसको बेदी कहा जाता है। और वहीं मुझे बताया गया कि वो है जो वो ब्रह्मा जी ने मतलब यहाँ पे आके यज्ञ करा था, स्वयं ब्रह्मा जी आए थे, तो वो एक यहाँ पे बेदी बनी हुई है यज्ञ की। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अभी मैं भी यहाँ पे स्नान करूँगा, और अगर कोशिश करूँगा कि मैं आपको दिखा पाऊँ, नहीं तो मैं इस चीज़ में बहुत शाय हूँ, मैं शेयर जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, जो कि मेरी पावन सरोवर की वीडियो थी उस टाइम पर भी मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग लॉकडाउन कहीं जाना पॉसिबल नहीं था, तो तब मैंने वो वीडियो शेयर किया था। और अभी भी मैं यहाँ पे स्नान करूँगा, देन फिर चेंज करूँगा, देन फिर मैं मंदिर जाऊँगा, और मंदिर यहाँ पे 1:30 बजे बंद होता है, और अभी तकरीबन ऑलमोस्ट 1 बज गया है, तो पॉसिबल नहीं है अभी जाना मंदिर में भी, क्योंकि अभी स्नान भी करना है मुझे यहाँ पे, मैं स्नान करूँगा। और आपको अगर मैं कोशिश करूँगा वैसे पास से दिखाने की, अभी हालांकि वैसे आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मछलियाँ बहुत है इस पानी में, बहुत सारी मछलियाँ हैं, छोटी छोटी भी हैं, बड़ी छोटी छोटी भी हैं और बड़ी बड़ी भी हैं, और कई मछलियाँ जो है आपको ऊपर भी देखने को मिलेंगी, दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आगे से। और अब मैं आपको एक बार सामने से दर्शन कराऊँ इस घाट के, ब्रह्मा घाट के, बहुत ही शांति में बहुत ही प्यारे दर्शन हैं। ये है बाबा जी, जैसे कि आपने देखा है इनको, नंदगांव के बाबा जी जो आपने वीडियो में देखे हैं इनको, और ये वही हैं जो आपने लाइव सेशन में मेरे देखे होंगे, ये पहली बार ब्रज में आए हैं दर्शन के लिए और स्नान कर रहे हैं, और ये हैं बाबा जी। इनके बाद अब मेरा नंबर है, मुझे स्नान करना है, लेकिन वो चीज़ मैं आपको स्किप करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे वो चीज़ शो कराना मतलब ऐसा मुझे वो पसंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता मुझे कि स्नान आदि के मतलब ऐसे मैं दिखाऊं। करो बाबा जी स्नान कर रहे हैं, ये नंदगांव के बाबा जी जो कि आपने देखे हैं मेरे वीडियो में इससे पहले, जिनके घर पे मैं स्टे करता हूं, और पुष्कर में बाबा जी के स्नान करके कैसे बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है, आनंद करो। लगाओ बाबा जी डुबकी, लगाओ 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 हाँ लगाओ।
अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी बाबा जी हैं, बाबा जी ने स्नान कर लिया और ये जो हमारे साथ आए थे, दिल्ली से ही आए थे हमारे साथ में, इन्होंने भी स्नान कर लिया। मैंने कहा था मेरी बारी है, तो मुझे काफ़ी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे तैरना नहीं आता, तो थोड़ा डर लगता है पानी में जाने में, अंदर जाने में। तो यही बाबा जी मुझे बोल रहे थे कि तू आगे जा, आगे स्नान कर, आगे गहरा नहीं है। लेकिन देख सकते हो मैंने कपड़े में ही यहाँ पे एक डुबकी लगाई है, मतलब चार पांच जितनी भी लगा सकता था कोशिश करी है डुबकी, मतलब वैसे नहीं कि पूरी अंदर तक गया हूँ, बैठा खाली, पानी इतना इतना पानी था वहाँ पर, बैठकर पानी के छींटे लगाए हैं उस तरीके से, मतलब आप समझ सकते हो कि मैं किस तरीके की बात कर रहा हूँ, कि मुझे डर लगता है पानी में अंदर जाने में, क्योंकि तैरना मुझे नहीं आता अभी फ़िलहाल, तो नहीं आता। बट मेरे अब जो शूट्स होते हैं वो ब्रज को लेकर ही होते हैं ज़्यादातर, और कुंड भी उसमें आते हैं, काउंट होते हैं कुंड। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अब स्विमिंग सीख लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जब तीर्थ स्थानों में जब मैं जाता हूँ और मुझे काफ़ी बुरा लगता है कि मैं उन कुंडों में प्रॉपरली, जिसे कहते हैं, स्नान नहीं कर पाता हूँ, जैसे कि सब लोग करते हैं स्नान, तो कोशिश करूँगा कि स्विमिंग को जल्दी से जल्द सीखूँ, ताकि ऐसे इन पवित्र स्थानों के कुंडों में, ऐसे जलों में मैं, जिसे कहते हैं, निडर होके, डर भय को मुक्त करके मैं इसमें आराम से डुबकियाँ लगा सकूँ। जल्दी से मैं चेंज कर लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं दर्शन के लिए मंदिर में। और अभी मैं पूरा गीला हूँ, कपड़ों में ही मैंने, जैसे कहते हैं, स्नान किया है, मैं अंदर जाने में पूरा डर लगा, स्नान नहीं कर पाऊँगा। और इनमें क्या होता है कि जो बीजू में अंदर, जिस मतलब कुंडों में जो सीढ़ियाँ बनी होती है उनमें फिसलन बहुत होती है, इतनी ज़्यादा फिसलन होती है। हालांकि यहाँ पे रस्सी है, आप देख सकते हो, रस्सी पकड़ के आप आगे तक जा सकते हो, लेकिन फिर भी जो फिसलन होती है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर आपका पैर स्लिप हो गया तो आपके हाथ से अगर रस्सी भी छूट गई तो पता नहीं आप डूब भी सकते हो, तो वो डर है, वो जिसे कहते हैं, उस चीज़ को लेकर मैं ज़्यादा आगे तक नहीं गया, दो ही सीढ़ी तक मैं गया, देन फिर आगे नहीं गया। और काफ़ी अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि हम जब रात को निकले थे घर से, यानी कि 2:15 के टाइम पे, जब हम रात को, यानी कि कल रात को निकले थे, तो अब हम यहाँ पे जब सुबह पहुँचे हैं, तो हमने जो रात को हमने 2-3 घंटे की नींद ली थी, वो बस हमने पानी से ही वॉश किया था अपने फेस को, देन फिर हम निकल गए थे पुष्कर के लिए। जो हमने जो आज दिन में जो हमने आज स्नान किया है, वो डायरेक्ट हमने यहाँ ब्रह्म घाट पे किया है, इस ब्रह्म कुंड पे किया है, पुष्कर में आके स्नान किया है। बहुत ज़्यादा महत्व कहते हैं कि पुष्कर में आप अगर आप स्नान कर लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा उसका महत्व माना जाता है। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है कि जो आज मैंने स्नान किया, जो मेरा, जिसे कहते हैं, सूर्य उदय होने के बाद जो मेरा फेस वॉश हुआ, जो पहली जल की जो छींटे हैं जो मेरे शरीर पे गई, वो ब्रह्मा जी के इस कुंड की गई, और स्नान भी मैंने इस कुंड से किया, तो काफ़ी आनंद आया यहाँ पे स्नान करके। बहुत ठंडक, एक कह सकते हो, शरीर को भी ठंडक मिली है और मन को भी ठंडक मिली है। वो आनंद, वो शांति मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकता। मंदिर में दर्शन करते हैं और कोशिश करूँगा अंदर दर्शन कराने की, क्योंकि ऐसे स्थानों की मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि आमतौर पर परमिशन नहीं मिलती है दर्शन के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर आके मैं आपको दर्शन करा पाऊँ ब्रह्मा जी के मंदिर में, पुष्कर स्थान पर।
स्नान मैंने कर लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, चेंज कर लिया है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको नीचे से दिखाया था, ये बेदी बनाई हुई है। यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे ब्रह्मा जी ने यहाँ पे यज्ञ किया था बैठकर, जो कि यहाँ पे मुझे बताया था यहाँ के जो निवासी थे। और यहाँ पे आपको शिव परिवार के दर्शन होते हैं और काफ़ी सुंदर यहाँ पे बनाया हुआ। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, ये काफ़ी ऊंचाई पर है ये स्थान नीचे से, और यहाँ से आके बहुत सुंदर यहाँ पे व्यू है पूरे इस ब्रह्म घाट का। मैं अभी आपको यहाँ से दिखाऊंगा अभी, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पे दर्शन करा दूँ, उसके बाद मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ कि कितना सुंदर यहाँ से नज़ारा है देखने को, और बहुत शांतिमय वातावरण है यहाँ का। पहले आप यहाँ के दर्शन। सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पे आते हो, बहुत ही सुंदर रूप में आपको महादेव के दर्शन होते हैं, बहुत ही प्यारे रूप में दर्शन है। और जिस तरीके से यहाँ पे ये पूरी वेदी बनाई हुई है, जिस तरीके से यहाँ पे स्थान बनाया हुआ है, आप सबसे पहले आप ये देखोगे, यह शिवलिंग जो आप सामने दर्शन कर रहे हो, और वहाँ पे आपको गणेश जी के दर्शन होते हैं, उधर माँ पार्वती के दर्शन होते हैं, यानी कि चारों कोनों पे जो शिव परिवार हैं उनके, उधर जैसे कि मैंने बताया गणेश जी, उधर पार्वती जी, और इधर कार्तिकेय, और यहाँ पे आपको पार्वती जी के दर्शन होते हैं। और जो नंदी महाराज है वो बीच में है। अभी मैं आपको साइड से भी दिखाने की कोशिश करूँगा, ये है साइड का व्यू, जैसे कि यहाँ पे आपको दो शिवलिंग के दर्शन होते हैं। एक तो ये है बीच में शिवलिंग, जो कि देखने से लगता है काफ़ी प्राचीन होगा, और एक है ये शिवलिंग जो कि, और ये शिवलिंग है ये दूसरा जो कि पीछे वाला शिवलिंग है, इसका जो रूप है, इसका मतलब जो दर्शन होते हैं काफ़ी अलग शिवलिंग है, काफ़ी सुंदर में है यहाँ पे दर्शन। अब मैं आपको आगे दर्शन कराता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखा दूँ, हम लोग उस तरफ से आए थे, वो एंट्रेंस है यहाँ पे आने के लिए कुंड, यहाँ पे जो ये ब्रह्म घाट है ये वहाँ से एंट्रेंस है, और यहीं पर मैंने स्नान किया था यहाँ पे बैठकर। और एक चीज़ मैं आपको बाद में बताऊँगा नीचे जाने के बाद उस तरफ में, कि जो यहाँ पे स्नान करते हैं, जैसे कि अगर कोई, और एक चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा शाय फील करता हूँ ओपनली स्नान करने में, मैंने बहुत कम स्नान किए हैं ओपनली, और जब आज मैंने किया है तो आज मैंने अपने, जिसे कहते हैं, पूरी जो मैंने ड्रेस पहनी हुई थी मैंने कुछ चेंज नहीं करा, कुछ ऐसा नहीं करा, मैंने उसी में स्नान करा है। वो आप कॉर्नर पर देख रहे हो उधर, मैं कोशिश करूँगा अभी आपको वहाँ पे दिखाने की, वहाँ पे चेंजिंग रूम है जो पब्लिक के लिए बनाया गया है, कोई भी जाके वहाँ पे चेंज कर सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे देखकर, और जो यहाँ से नज़ारा है पूरे इस ब्रह्म घाट का, बहुत ही सुंदरमय नज़ारा है। अभी आपको मैं मूव करता हूँ और आप देखिए किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ये पूरा जो है ये घाट जो है बना हुआ आप देख सकते हो, और वो ये पूरा ओवरफ्लो हो रहा है, और वो जो छोटे छोटे घाट बने हुए उधर उधर, ये वहाँ पे पानी उसमें अंदर जाता है, मतलब वो पूजा वगैरह के लिए यूज़ होता है, वो छोटे छोटे जो घाट बने हुए हैं। चारों तरफ से व्यू दिखा देता हूँ, यहाँ पे इस तरीके के ऐसे घाट बनाए हुए हैं, यहाँ पे लोग आके अपने बैठते हैं इन घाटों में, जैसे कि एक वो है, एक उस तरफ है, एक ये है, ऐसे छोटे छोटे घाट यहाँ पे बनाए हुए हैं, उस तरफ बनाया हुआ है एक बोरा और एक उधर, तो यहाँ पे लोग आके अपनी पूजा वगैरह करवाते हैं। यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ऐसे घाट बने हुए हैं, और यहाँ पे इन घाटों से उतर के लोग स्नान करते हैं यहाँ पे जाके, या फिर कोई पूजा वगैरह है वो भी करते हैं, स्नान आदि के लिए वहाँ से भी आप कर सकते हो स्नान। और आपको मैं अभी आगे लेके चलता हूँ थोड़ा, और वहाँ पे दिखाता हूँ वहाँ पे किस तरीके से।
इस चीज़ को कवर करना चाह रहा हूँ और आई होप कि आप इस चीज़ से बोर ना हो रहे हो दर्शन करके कि मैं बार बार दिखा रहा हूँ, क्योंकि डिस्टेंस इतना ज़्यादा है इस जगह का कि मैं पता नहीं दोबारा मैं यहाँ पे कब आऊँगा दर्शन के लिए। और जब आया हूँ तो सोच रहा हूँ कि हर एक एंगल हर एक व्यू आपको दिखा पाऊँ, इसलिए हर घाट पर आने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि एक ये घाट है और आप देखोगे मतलब बहुत बड़ा बहुत विशाल ये कुंड है, बहुत विशाल ये सरोवर है, आपको मैं बता नहीं सकता। और स्नान आदि के लिए लोग मतलब यहाँ दिन भर स्नान करते हैं लोग, आप मेरे बैक साइड में देखोगे आप यहाँ पे अभी स्नान कर रहे हैं लोग और यहाँ पे दिन भर यहाँ पे स्नान चलता है। और अब कोशिश करता हूँ मैं आगे चलने की, तो चलते हैं बाकी की ओर, लेकिन फिर भी मन नहीं कर रहा है ऐसे, मतलब ऐसा मन कर रहा है कि देखता रहूँ जो ये जल है, जो आप जल देख रहे हो, ऐसा मन कर रहा है कि बस इसको देखता रहूँ। मतलब एक अट्रैक्शन है, एक अट्रैक्शन है सच में, वो बयां मैं आपको नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि मैं आपको दर्शन कराऊंगा ब्रह्मा जी के मंदिर में, जो कि पुष्कर में है। और अभी मैंने अंदर गया हूँ मंदिर में और दर्शन करने गया था और उनसे परमिशन भी लेने गया था, तो मुझे वहाँ पे परमिशन नहीं मिली है, क्योंकि वहाँ पे मुझे बताया गया कि ब्रह्मा जी का पूरे भारत में केवल एक ही मंदिर है जो कि पुष्कर में है। और कुछ यहाँ पे पहले भी यहाँ पे काफ़ी आतंकवादियों का यहाँ पे हमला हुआ था, मुझे बताया गया यहाँ पे पुजारी जी ने, तब से यहाँ पे कोई भी कैमरा या कोई भी बाहर की कोई मीडिया कोई चैनल वाले किसी को वो लोग अलाउ नहीं करते यहाँ पे अंदर दर्शन के लिए। और इसी वजह से मुझे भी परमिशन नहीं मिली है, हालांकि उन्होंने मुझसे बोला है कि आप जो यहाँ पे जो सीनियर हैं उनसे बात कर सकते हो हमारे, जो कि काफ़ी दूर है उनका ऑफिस और वहाँ पर जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर राजस्थान में आया हूँ, ज़्यादा मुझे यहाँ के बारे में नहीं पता है और कि उनका ऑफिस कहाँ है। फिर परमिशन लेना वहाँ भी वो पॉसिबल नहीं है कि वहाँ से परमिशन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे बताया गया है कि वो भी पॉसिबल नहीं है कि परमिशन मिलेगी। इसलिए मैं अब आपको केवल जो आपको मैं पहले दिखा दूँ कि जो आप ये बैक साइड का देख रहे हो ये यही जाता है मंदिर के लिए ऊपर, लेकिन वहाँ पे पॉसिबल नहीं है दर्शन कराना, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। लेकिन कोशिश की है मैंने जो ब्रह्म घाट है यहाँ पे उसके दर्शन कराने की। आपको वहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। केवल आप सभी के लिए मैं इतनी दूर आया हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि जो ब्रिज में नंदगांव आपको जैसे मैंने दर्शन कराए हैं, नंदगांव से दूरी यहाँ की आठ घंटे लग गए मुझे, यहाँ पे 8-8 घंटे लग गए। रात को 3 बजे मैं नंदगांव से चला और यहाँ पे सुबह 11:30-12 के करीब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, केवल आप सबको दर्शन कराने के लिए। पुष्कर आया हूँ स्पेशली मैं आपको दर्शन कराने के लिए, जो कि राजस्थान में पड़ता है ये। और ब्रह्म घाट में मैंने आपको दर्शन कराए, स्नान भी आपने जैसे देखा काफ़ी आनंद आया वहाँ पे स्नान करके, और जो वहाँ पे यहाँ का जो महत्व है वो भी जाना कि यहाँ पे क्या यहाँ का महत्व है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट यही रहती है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक यहाँ के महत्व जा सके। जो मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, जितने भी स्थानों के दर्शन करा रहा हूँ, ब्रज के हैं चाहे वो राजस्थान के हैं चाहे कहीं के भी दर्शन है, वो मैं आपको करा रहा हूँ। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रज धाम के वीडियोज़ ऐसे ही आते रहेंगे मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। और आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, साथ के साथ आप मुझे फेसबुक पे और ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही, राधे राधे।